हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करते हैं टैंपलेट से। तो टैंपलेट मतलब कि एक तो आपके पास बड़े बनाए फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे होते हैं ऑफिस वगैरह में कहीं मिलते हैं तो आप उसको फोटो स्टेट करा लेते हैं, तो उसी टाइप का ये हमारा टैंपलेट होता है। जैसे एग्जाम्पल कि आपको इनवाइस बनानी है, मान लीजिए अब इनवाइस बनाने आपको नहीं आता है या फिर आपके पास टाइम नहीं है या इससे पहले आपने इनवाइस देखा ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है कि इनवाइस कैसे बनेगा, कैसा होता है, तो अब इसमें आपको मदद कौन करेगा? तो आपको मदद करेगा आपका एक्सेल। कैसे? आप यहां पे आए फाइल मेनू बार में और जैसे न्यू पे आप करेंगे तो आप जनरली आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसके अलावा ये बहुत सारे टैंपलेट्स आपको दिखेंगे। तो जो मोस्ट विजिट टैंपलेट होगा जो कि आपने विजिट किया होगा उसका लिस्ट दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि मुझे इनवाइस की जरूरत है तो मैं यहाँ पे इनवाइस या बिल को सर्च करूंगा। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से हमें कई सारे इनवाइसेस का फॉर्मेट होगा, हम अपने फॉर्मेट पर एनालाइज करेंगे, जो फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट का होगा उस फॉर्मेट को देखेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसके लिए इंटरनेट की कनेक्शन होना जरूरी है, ध्यान रखिए। तो अब इसमें हमारा टैंपलेट आ गया, अब मुझे इसमें अपना कंपनी नेम, अपना स्लोगन, अपनी एड्रेस, बाकी डिटेल्स को चेंज कर ले और बना बनाया फॉर्मेट विद कैलकुलेशन आपके सामने। और ये प्रिंट की भी सेटिंग है, जब इसको प्रिंट करोगे तो ये एक ही पेज पे प्रिंट होगा, आपको प्रिंट की भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है वीर सिंह जी, सिर्फ इसी का नहीं और भी बहुत सारे टैंपलेट्स आपको यहां मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए बैलेंस शीट चाहिए आपको, तो आप यहां पे देखेंगे कि आपके पास ब्लू बैलेंस शीट और बहुत सारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट आ जाएंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बनता है उसको डाउनलोड कर लें और अपनी डिटेल्स को चेंज कर लें। एक कैलकुलेटेड भी होता है, देखिए फॉर्मूला से कैलकुलेटेड है, अपने असेस्ड, अपनी लायबिलिटीज और उसकी कैटेगरी को आप चेंज करेंगे, अपने आप आपका बैलेंस शीट डाल कर। इस तरह से तो ये तो हो गई माइक्रोसॉफ्ट की बनी बनाई टैंपलेट। वीर सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा मैंने यस ये तो हो गई आपकी बनी बनाई टैंपलेट जो कि कभी जरूरत पड़ी तो आप डाउनलोड कर सकते। लेकिन अगर आपको खुद की टैंपलेट बनानी हुई तो अब जरूरत क्यों पड़ेगी खुद की टैंपलेट? तो वीर सिंह जी अभी जो आप ऑफिस में रिपोर्ट आप बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं? ऑफिस में जो रिपोर्ट बनाते हैं वो आप करते हैं कि आप अपने प्रीवियस डे का रिपोर्ट ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं आज के डेट में, और फिर उसको हम क्या करते हैं कल के डेटा को चेंज करते हैं और फिर आज के डेटा डालते हैं, यही करते हैं ना आप राइट। तो अगर आपको ऐसा हो कि जब भी आप फाइल खोले तो आपको आज का ही फाइल ब्लैंक फाइल तो ब्लैंक फॉर्मेट मिले, बस आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, आपको सेव एज करना और आपको पिछली इंफॉर्मेशन को रीड करना ना पड़े, तो आपका टाइम मेरा सेव होगा। इसलिए इसके लिए छोटा सा फॉर्मेट हम आपको तैयार करते हैं, हम कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ले लेते हैं यहां पे, और यहां पे हम करते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट, बस हम बड़ा कर देते हैं, यहां से अलाइन कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं साथ में। यहाँ पे हमारा हो जाता है लोकेशन और ये हो जाता है हमारा डिपार्टमेंट।
और ये हमारा डेट डेट पार्टिकुलर्स पर्सन डियर एंड बैलेंस, ये छोटा सा फॉर्म है जब आपके साथ तैयार कर रहे हैं, इसको मैंने यहां सिलेक्ट किया, मैं इसको यहां पे बोल्ड कर देता हूं। और फिर नीचे की तरफ जितना एरिया चाहिए उतने एरिया में आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, बॉर्डर पे चला जाता हूं और यहां बॉर्डर फॉर्मेट सेल में बॉर्डर हमें पूरा ले लेते हैं और डॉट लाइन जो हमारा बीच में देते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा टोटल होता है और इसमें जो फॉर्मूला वगैरह लगाना है वो आप फॉर्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं। और टोटल की लाइनिंग जो है उसको हम यहाँ से ये जो डबल लाइनिंग है ना ये देते हैं और यहाँ हमारा हो जाता है चेक बाय और यहाँ हो जाता है अप्लाई। हम यहाँ से सिग्नेचर करने के लिए एरिया दे सिग्नेचर के एरिया को शो करने के लिए हम यहाँ पे बॉटम बॉर्डर ले लेते हैं। रिपोर्ट को और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज लेआउट पे जाते हैं और यहां से ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, हो गया। और यहां भी हम इसको अंडरलाइन देते हैं। अब मुझे इसमें क्या होता है, हर दिन डेट डिटेल्स डालनी पड़ती है और फिर अगले दिन इसको खाली करके फिर नया डिटेल डालना पड़ता है। जैसे आज हमने डेट डाल दिया तो फिर अगले दिन इसी फाइल को मैं सेव एज करूंगा और आज की डिटेल को डिलीट करके फिर कल की डिटेल्स को डालूंगा, ये बार मुझे हमेशा करना होता है। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव एज कर दिया कहां पे, एक लोकेशन पे। लेकिन उससे पहले जो सेव एज टाइप है, इस सेव एज टाइप पे हमने सिलेक्ट कर लिया क्या, हमने सिलेक्ट कर लिया एक्सेल टेम्पलेट, फिर लोकेशन दिया और हम नाइन नाम देते हैं, जैसे हम यहाँ पे सी एच कैश का नाम है। उस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। तो यहां देखिए आपका कैश वन, जैसे आपका नया फाइल बुक वन आता है ऐसे यहां पे आपके सामने कैश वन आ गया। अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन डालना है मैं यहां पे डालूंगा और इसको सेव करूंगा, वो सेव नहीं होगा और सेव एज होगा, मतलब कि हमारी जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट कभी ओवरराइट नहीं होगा, वो हमेशा मुझे ब्लैंक। क्लियर है? Yeah. Without? नहीं नहीं क्लियर है सर। ये हमारा टेम्पलेट था जिसका यूज आप अपने ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं फाइल इंफॉर्मेशन। फाइल इंफॉर्मेशन जैसे कि हम इस पे कर्सर रखते हैं तो मुझे इसके बारे में बस इस फाइल के बारे में मुझे इतना ही पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, 15 दिन की फाइल है और 4 तारीख को बना है, राइट सर? राइट। इसके अंदर क्या डेटा है इसको जब तक मैं ओपन नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर दें, मैं डिटेल्स में गया और यहां डाल दिया कि नेम इंग्लिश टू हिंदी राइट, हम इसको अप्लाई करते हैं एंड ओके करते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब मैं इस कर्सर पे जाऊंगा, दिखता है पता नहीं मेरा विंडो 10 का प्रॉब्लम है, आप अपने सिस्टम पे ट्राई करेंगे तो आपको दिखेगा सर।
मैं इधर देखता हूँ। इसमें मेरे सिस्टम पे नहीं देख रहा है, सॉरी, क्योंकि मैंने विंडो चेंज किया है इसलिए, वरना आप उस पर कर्सर रखेंगे ना तो आपने जो डिटेल्स में डाला है वो डिटेल्स आपको दिख जाए। तो उसमें क्या करा कि मैंने टाइटल में जाके फाइल का नाम दे दिया, राइट? हमने नहीं फाइल का नाम नहीं दिया, हमने यहाँ डिटेल्स में इसकी जो डिटेल्स होगा इस फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में डिटेल्स है, हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी कि जो भी डालना चाहिए हम डाल दिया। जैसे टाइटल में आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करा आपने, तो क्या मतलब? हमने यहाँ डाला था कि नेम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट, बेसिकली ये जो है ना फाइल है नेम को हिंदी में कन्वर्ट करने की एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें कर्सर मुझे शो करेगा कि गूगल सीट एग्जाम्पल के लिए दिया गया है नेम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर। अच्छा, तो फाइल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कि मेरे फाइल का नाम है फाइल की नाम के नाम से कोई लेना देना इसको नहीं है। बेसिकली आप इस फाइल से रिलेटेड कोई कमेंट डाल सकते हैं जो कि माउस ज्यादा ही दिख जाए, उस फाइल से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फ्यूचर में फाइल को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करे। जैसे होता है ना कि 6 महीने साल भर बाद आप भूल जाते हो कि फाइल आपने बनाया था तो किस लिए करा, तो उस केस में उस समय मदद करता है। इसमें एक टैग भी है सर्च के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर इस पर डाल दिया फॉर्मूला, यहाँ पे ये रहता हूँ मैं, फिर और मैं इसमें डाल देता हूँ टैग इसमें ऑनलाइन डाल देता हूँ। अब एक टैग डालने का बेनिफिट समझते क्या हुआ सर? टैग डालने का बेनिफिट ये हुआ कि जब मैं सर्च करूंगा ना, अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वेब से, तो फाइल रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग डेटा मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे फाइल्स है, आप सर्च करते हैं जाके फोल्डर में, तो फाइल का नाम देते हैं ना, राइट? लेकिन कभी कभी हमें फाइल का नाम भी याद नहीं रहता है, तो जब हमें अपना फाइल का नाम याद नहीं रहेगा उसमें उसके टैग को सर्च करेंगे, इसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो। दूसरा, अब जैसे बिल्कुल मेरा फाइल है, मैं चाहता हूं कि इस फाइल को कोई एडिट ना कर सके मेरे अलावा, तो आप पासवर्ड डाल देंगे क्या? बट मैं बिना पासवर्ड डालते हुए सोचता हूं कि मेरा फाइल चेंज इजीली चेंज ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फाइल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और उसमें हम लोग रीड ओनली पर क्लिक कर देते हैं। तो रीड ओनली पे क्लिक करने का बेनिफिट क्या होता है कि इस फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो मेरा फाइल हमेशा रीड ओनली पे ओपन होगा। सॉरी सर, तो देखिए आपका फाइल ऊपर रीड ओनली दिखा रहा है, मतलब मैं कुछ भी चेंज करूंगा अब मैं इसको सेव करूं तो मेरा फाइल सेव नहीं सेव एज होगा, तो मेरी ओरिजिनल फाइल कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट सर?
अगर अगर सर मान लो जैसे रीड वन लिया, उसको अगर मान लो कि मैं चेंज ये करना चाहूँ तो उसको राइट क्लिक करके आप उसकी रीड ओनली हटा दो। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मान लो कि मैंने अगर किसी ने मुझे भेजा रीड ओनली, तो फिर मैं अच्छा उसके प्रॉपर राइट क्लिक करके फिर वो रीड ओनली हटा दूँ, राइट? हम यहाँ सिक्योरिटी की बात नहीं करें, इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे, जैसे कि हम लोग ऑफिस में हम लोग का तो डम फाइल होता था ना, अब डम फाइल के ऊपर प्रोटेक्शन वगैरह हम लोग नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि प्रोटेक्शन वगैरह लगाते थे तो काफी ज्यादा हैंग करता था, तो हम उसको रीड ओनली कर देते थे कि कोई इजिली उसको एडिट नहीं कर पाएगा। अब कोई एडिट करना है तो रीड ओनली खोल के जाएगा, अगर जिसने रीड ओनली खोल के अंदर गया इसका मतलब कुछ इसको चेंज करना है, इसलिए इसका यूज। ठीक है, तो जस्ट इंडिकेट करता है क्योंकि आपके फाइल के कुछ सैंपल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें इन्फो में जाए तो कुछ फाइल के सैंपल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा फाइल सेव नहीं है, मैं सेव फाइल ओपन करता हूँ, सही सेव जो फाइल होगा तो कुछ इंडिकेट होता है तुमको, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका इन्फो में आते हैं तो सेव है, इसको रीड ओनली से हटा के आप उसको सेव एज कर सकते हो। दूसरा आता है कन्वर्ट, क्योंकि ये आपका 2003 का फाइल है डॉट एक्सएलएस, इसलिए कन्वर्ट आ रहा है ताकि इसको 2007 में आप कन्वर्ट करें। ठीक है, और दूसरी चीज में क्या होती है कि जैसे हम लोग क्या करते थे, तो फाइल मान लीजिए हमको क्यूसी टीम को फाइल भेजते थे, राइट सर, तो क्यूसी टीम को फाइल भेजने के बाद क्या होता था कि वो उसमें फाइल में कोई गलती होती थी, क्यूसी टीम को इस पे क्लिक कर देता, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता था। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं इसमें नहीं है, तो चेक कैपेबिलिटी है इसमें नहीं है, वो आपका अलग आता था, ये आपका वर्जन हिस्ट्री है, चल रही मुझे दूसरा फाइल 2019 का ओपन करने दीजिए तो पता चलेगा। हाँ इसका कुछ वर्जन ही अलग है। हाँ इसमें तो जैसे कि हम लोग बेचते थे तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो है माल एज ए फाइनल एक्टिव कर देते, जैसे हमने कोई काम को भेजा तो क्या था, प्रॉब्लम क्या होती थी कि शुरुआती दौर में हम लोगों के पास एक्स मेल 8 MB या 10 MB या 25 MB से ज्यादा भेजने की कैपेसिटी नहीं थी, अभी भी ऑफिस में 25 MB से ज्यादा मेल नहीं कर सकते हम, लेकिन हम लोगों की जो तो फाइल होती थी 500 MB की फाइल होती थी, तो हम लोग इस पे वैन पे काम करते थे, तो हम लोग एक सेल ड्राइव जहाँ रिपोर्ट्स पड़े होते थे, उस रिपोर्ट्स पे कई सारे लोग काम करते थे, तो एक टीम अगर मार्क एज फाइनल कर दिया तो मतलब है कि ये फाइल फाइनल हो गई है, उसने अपना काम खत्म किया, फिर उसको हम हटाएंगे अपना काम करेंगे, फिर मैं यहाँ पे मार्क एज फाइनल लगा, इसका यूज करते हैं, तो इंफॉर्मेशन में यही आपका होता था। तो ये मतलब 2007 अबव सब में आता है, 13 ओवर हाँ में आएगा तुम्हारे ये? से वो सब में है। ओके ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते थे, इंफॉर्मेशन देता था कि आपकी फाइल की प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चीज और बताएंगे आपको, लेकिन इसमें मार्क एज फाइनल एक अच्छी चीज थी, इसलिए मैं आपको इसमें समझाया। ओके, बाकी तो आपको सेव या सेव एज वगैरह तो आपको आता ही है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सेव एज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके फाइल में अगर किसी तरह की कोडिंग वगैरह है तो फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं करेंगे, फाइल को सेव करेंगे माइक्रो अंडरवर्ल्ड वर्कबुक में, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक बाइनरी वर्कबुक है, जैसे आपके पास डेटा 500 700 1000 MB का डेटा है और बहुत ज्यादा हैंग होता है, तो
तो आप बाइनरी में करेंगे ताकि साइंस को थोड़ी सी क्लीन कर, लेकिन ध्यान में उसमें कोई ग्राफिकल ना हो, सिर्फ डेटा हो, फॉर्मेटिंग ना हो, वरना उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ओरिजिनल में करना है सेम तो 97 की, अगर आपको पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ, अगर आपको सीवीएस फॉर्मेट में करना है तो आप सीएसबी फॉर्मेट जो होता है उसको ले सकते हैं। तो बाकी फॉर्मेट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आईई क्लासेस। राइट सर, तो सर सीएसबी में जो सेव करते हैं, सीएसबी में क्या फर्क होता है? सीएसबी होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो वेब बेस्ड होते हैं, जैसे गूगल में मान लीजिए आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी अपलोड करनी है, आप फोन यूज करते हैं क्या सर? फोन यूज करते हैं तो फोन में गूगल डालते हैं ना, तो आपका कॉन्टेक्ट चला जाता है ना। राइट, तो जैसे कॉन्टेक्ट हो गया, तो मान लीजिए इस कॉन्टेक्ट आपके पास ऑलरेडी कॉन्टेक्ट है, जैसे देखिए मैं इस कॉन्टेक्ट है मैं अपलोड कर रखा हूँ अपनी दिखा, तो एक कॉन्टेक्ट अपलोड कर जब करेंगे तो हमें उसके लिए सीएसवी फाइल चाहिए, इसलिए उसको डाउनलोड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो हमें सीएसवी फाइल ही चाहिए कॉमा सर। ओके, कॉमा सेपरेटेड फाइल में क्या होता है कि फॉर्मूला नहीं होती है, फॉर्मेटिंग नहीं होता है, ग्राफिक्स नहीं होता है, इस कारण से बहुत कम साइज में होता है, इसलिए मोस्टली जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन सीएसवी फॉर्मेट में ही डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, साइज का कम होने से। ठीक है, राइट, इसलिए। और कुछ नहीं? नहीं सर। तो अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सेल के ऑप्शंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी क्लास में ही आपको एक्सेल ऑप्शन क्यों बताने जा रहा हूं। इसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर, जैसे आपने फोन ही खरीदा उसका वॉलपेपर रिंग टोन पहले से सेट होता ही है, बट हम उसको अपने वर्क एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग सेट करते हैं, एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग। राइट, उसी तरह से हम एक्सेल को भी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें से चेंज करेंगे जो हमें सॉलियन देगा, तो इसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे।